हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। और अभी तक मैंने आपको कुछ चीजें बताया, उसको एक बार रिकॉल करते हैं स्लाइटली, ठीक है। जैसे मोल क्या है, इट इज एसआई यूनिट फॉर द एटम्स। एटम्स की एसआई यूनिट को हम मोल कहते हैं। वन मोल इज स्टैंड फॉर एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट वन मोल के इक्वल होता है, ठीक है। और किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एवोग्राडोस नंबर। सब एवोग्राडो नंबर के बराबर होते हैं। दैट इज 6.023 × 10²³। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस हैव 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो हम ऐसा कह सकते हैं 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो किसी भी सब्सटेंस का एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद मैंने आपके साथ बात किया कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स के बारे में, हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। और इसको मैंने आपको क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है कि ये आपको सब याद करने हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन के समय पर इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लाइक ग्लूकोज 180, कैमनोफोर 158, K2Cr 207, 294, ऑक्सैलिक एसिड 90, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड 126, वाटर 18, CO2 44, अमोनिया 17, ठीक है। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, Mg2P2O7, 222, H3PO4 98, H3PO3 82, NaHCO3 84, ठीक है। एसिटिक एसिड 60, बेंजोइक एसिड 122, बेंजीन 78, इथेनॉल 46, एसीटोन 56। तो इस तरीके से सभी सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूलर वेट को हमें याद रखना है, क्योंकि ये हमारी स्पीड को बढ़ाता है और हमें स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर करते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि फिजिक्स के लिए टाइम सेव करना है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए टाइम तभी सेफ होगा जब आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बहुत स्पीडली क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्पीड बनाने के लिए ये सब चीजें हमें याद रखनी पड़ती है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि टेबल आपको पूरी याद करनी है, 20 तक टेबल पूरा याद करना है अच्छे से, एकदम शार्पली। चाहे आपको हिंदी में याद हो, चाहे इंग्लिश में याद हो, चाहे जैसे भी याद हो, आपको याद करना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन के बारे में। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि इस यूनिट को हमने जो प्लस टू वाले, जो ट्वेल्थ वाले या रिपीटर वाले बच्चे होंगे तो उनको ये पोर्शन पूरा का पूरा लगभग ऑलमोस्ट सेम पोर्शन सॉल्यूशन के साथ भी मिल गया होगा, ठीक है, या मिल जाएगा, ठीक। तो अब बात करते हैं, लेकिन जब बेसिक कॉन्सेप्ट की बात होगी तो फिर से सभी चीजों को रिपीट करना ही पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन उसमें नए इंक्लूड कर सकते हैं, बस इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल्स के कैलकुलेशन के बारे में। और मैंने आपको बोला था तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, इट इज ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और अगर कोई इंडिविजुअल एटम होगा तो इट इज ग्राम वेट बाय एटॉमिक वेट। उस समय क्या हो जाएगा, ग्राम वेट बाय एटॉमिक वेट हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, तो ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स के लिए, अगर एटम, अगर
एटम में निकालना होगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा, तो ग्राम वेट बाय एटॉमिक वेट, इट इज ग्राम वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23, तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर वॉल्यूम में दिया होगा तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 इनटू नम इनटू एवोगाड्रो नंबर, इट मींस इनटू 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23, ओके। फॉर वॉल्यूम इट इज ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 22.4, तो दिस इज द थ्री फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑल द डाटा, ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द मोल्स, डायरेक्टली मोल्स पर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब इन फॉर्मूले से हो जाएगा। ऑल ऑफ देम इज बेस्ड ऑन दीज थ्री फॉर्मूलाज, ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम वेट बाय एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल्स का नंबर, ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23, एंड वॉल्यूम इज ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 22.4, ओके। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जिसके बेस पर सभी कैलकुलेशंस होंगे रिलेटेड विद द मोल्स, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टार्ट करूंगा मैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम। तो अभी जब तक हम लोग नए फॉर्मेट पे नहीं जाएंगे तब तक क्वेश्चन सेम रहेगा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। और इसका पहला फॉर्मेट ले रहा हूं मैं, फॉर 4 ग्राम ऑफ मीथेन, 4 ग्राम मीथेन के लिए, तो मीथेन का वेट कितना, 16, 16, कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का वेट 1, 4 हाइड्रोजन है इसके पास तो 12 और 4 16 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्राम वेट कितना है 4, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16, तो कितना आ जाएगा 1/4, इट मींस व्हाट 0.25 मोल्स, आंसर इज देयर 0.25 मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू ग्राम वेट 4, मॉलिक्यूलर वेट 16 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो नाउ इट इज 4 टाइम्स, और 4 को 6 पे जाओगे तो 1.5 आएगा, 4 डेढ़ 6 होता है 1.5, तो आंसर इज अप्रोक्सीमेट 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23, और 0.4, 0.6 भी आप ले सकते हो, 23 है तो 0.6, 0.5 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज अप्रोक्सीमेट आंसर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23। अब वॉल्यूम निकालना है सेम फॉर्मूले के लिए, तो ग्राम वेट इज गिवन 4, मॉलिक्यूलर वेट इज 16 इंटू 22.4, इट मींस 4 ग्राम मीथेन का वॉल्यूम कितना होगा, तो 16 ग्राम मीथेन मींस 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल मीथेन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मीथेन इज 22.4 लीटर, देन हाउ मच फॉर 4 ग्राम, ऐसे भी निकाल सकते हैं बट फॉर्मूले में रख दिया तो थोड़ा आसानी हो जाती, तो 1/4 और यह आ जाएगा आंसर 5.6 लीटर इज द वॉल्यूम, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल्स, तो तीनों चीजें हमने यहां पे 1/1 निकालना सीखा। अब इसी टाइप के एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, बिल्कुल सिमिलर टू सिमिलर, जिससे आप सभी चीजें सीख जाओ। देखिए क्वेश्चंस बहुत टफ टफ भी बनते हैं इस पे, ऐसा नहीं कि बहुत इजी, ऐसे इजी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन कॉमनली इजी क्वेश्चन ही आता है, और अगर आपको इजी वाले का फॉर्मेट पता है
तो टब वाले आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इनिशियली क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिससे आपको समझ में आना शुरू हो जाए। जब समझ में आएगा तभी तो कोई भी काम करेंगे ना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फॉर 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4.4 ग्राम ऑफ CO2, क्या क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन आपका पहले से लिखा हुआ है, तो अब आते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज ग्राम वेट, इज द गिवन वेट कितना है 4.4, मॉलिक्यूलर वेट कितना 44, तो कितना आ जाएगा 1/10। अभी इसी कैलकुलेशन को 4.8, 4.9 कर दीजिए, यही टफ हो जाएगा। ठीक है, आसानी से निकल रहा है क्योंकि मैंने फॉर्मेट ऐसा बनाया है 4.4 और 44 1/10 होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर हम क्या से निकालते हैं? ग्राम वेट कितना है 4.4, मॉलिक्यूलर वेट कितना 44 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। तो नाउ देखिए कितना आ गया 1/10। 1/10 को ऊपर कैरी करोगे तो कितना हो जाएगा 10 to the power -1, 10 to the power -1 हो जाएगा। तो 10 to the power -1 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स, 6.023 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स 1/10। तो नीचे 10 है, ऊपर लाओगे 10 मतलब 10^1, ऊपर लाओगे तो 10^-1 हो जाएगा, -1 हो गया तो एक पावर कम हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम, 4.4 ग्राम CO2 का वॉल्यूम कितना होगा? तो 44 ग्राम का कितना होता है 22.4 लीटर, तो 4.4 का कितना होगा? तो 4.4/44, दिस इज 1/10, तो कितना आ जाएगा 2.24 लीटर, द वॉल्यूम इज 2.24 लीटर। तो आराम से मोल्स के सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, इट इज बेस्ड ऑन ओनली द फॉर्मूला, है ना? आपने फॉर्मूले पर अगर रखा उसको तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पे फिर आगे चलते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस इस पे हम लोग करने वाले हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाएंगे, तो उससे यह है कि आपको ज्यादा इधर उधर बुक्स में से ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप कर पाओगे। इस बार मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिससे आपको किसी भी बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत ना पड़े, बस आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहो। फॉर 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 49 ग्राम ऑफ H2SO4, तीनों चीजें निकालनी है। देखिए बार बार हमें मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ रही है, हर क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मॉलिक्यूलर वेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, पहले मोल्स का नंबर क्या हो जाएगा? ग्राम वेट कितना है 49, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 98, तो कितना आ जाएगा 1/2, इट मींस व्हाट 0.5 मोल्स, आंसर इज 0.5 मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू ग्राम वेट कितना 49, मॉलिक्यूलर वेट कितना 98 इंटू 6.023 इंटू 10^23, तो ये कितना आ जाएगा 2 times, तो ये कितना आ गया 3.011 इंटू 10^23 इज द फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर इज 3.011 इंटू 10^23 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, और इसके बाद वॉल्यूम, तो देखिए सिंपल सी बात है, 98 ग्राम इज द मोलर, तो 98 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, तो 49 का कितना होगा 11.2 लीटर, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो 49/98 इंटू 22.4, तो इट इज 2 times, इट इज 11.2 लीटर, तो वॉल्यूम कितना आ गया 11.2 लीटर इज द वॉल्यूम, कितना आ गया वॉल्यूम 11.2 लीटर। और भी क्वेश्चंस इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे
सॉल्व करने हैं, जहां पर थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं वो भी ध्यान में रखेंगे, तो उस पर भी बात करेंगे, उन टॉपिक्स पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए अब इसको हम लोग थ्योरेटिकली मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूँ कि इसको थ्योरेटिकली कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये तो बात हो गई सिंपल सी, है ना। अब देखो, जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन आया, मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ अ गैस, मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ अ गैस इज 8 ग्राम्स। 5.6 लीटर गैस का मास कितना है? 8 ग्राम्स है। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, तो उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। फिर से क्वेश्चन एक बार, मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ गैस, 5.6 लीटर गैस का द्रव्यमान 8 ग्राम है। मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ गैस इज 8 ग्राम्स, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ठीक है, तो कौन सा फॉर्मेट आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है इसमें, 5.6 लीटर मतलब वॉल्यूम आ रहा है, तो हमको वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या है मेरे पास? वॉल्यूम इक्वल टू ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 22.4 लीटर। ये फॉर्मूला है जिससे हम वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं, मास और वॉल्यूम को। अब निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस मींस ये आपको फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज टू बी फाइंड आउट, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू ग्राम वेट बाय वॉल्यूम, नीचे आ जाएगा। ग्राम वेट कितना है? 8। वॉल्यूम कितना है? 5.6 लीटर इंटू 22.4। तो नाउ इट इज 5.6 एंड 22.4, तो 5 4 20 एंड 6 4 24, तो कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस कितना आ गया? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज 32। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस कितना फाइंड आउट होगा? इट इज 32। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज 32। ठीक है, अब इस पे अगला फॉर्मेट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देयर इज द कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट इन दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 35.5 ग्राम ऑफ अ गैस, इन 35.5 ग्राम ऑफ अ गैस, 35.5 ग्राम ऑफ अ गैस 3.011 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, तो उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट हमको फाइंड आउट करना है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को सोचिए, क्या कहा? 35.5 ग्राम ऑफ अ गैस, 35.5 ग्राम ऑफ अ गैस कंसिस्ट ऑफ 35.5 ग्राम ऑफ अ गैस कंसिस्ट ऑफ 3.011 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। तो 35 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3.011 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 6.023 इंटू 10^23। क्या फाइंड आउट करना है? मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। तो ये ऊपर जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लोअर साइड आ जाएंगे, डाउन साइड आ जाएंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू ग्राम वेट कितना? 35.5
35.5, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने 3.011 इंटू 10^23 और मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10^23। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, इसको ऊपर ले गया और इसको नीचे ले आया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको गिवन है इस बार 3.011 इंटू 10^23। तो नाउ दिस इज 23 to 23 कैंसिल, 3 to 6, ओके। तो 35.5 इंटू 2, तो आंसर इज 71। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज देयर 71, तो कितने मॉलिक्यूल्स आ गए 71 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 71 आ गया। सो द मॉलिक्यूलर वेट इन दिस क्वेश्चन इज 71। इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट हमको कितना मिल गया है 71 मिल गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और ये यूनिट पूरा ऐसा ही होगा, है ना, पूरा कैलकुलेशन ही बेस है, केवल वो चार लॉ हैं तो वो हम लोग लास्ट में लिखेंगे उसको, और उस पर भी कुछ कैलकुलेशंस अगर होगी तो उसको कर लेंगे, है ना। बट द होल यूनिट इज लाइक दिस, टोटल कैलकुलेशन कैलकुलेशन वाला यूनिट है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ Cl- माइनस एंड Ca2 प्लस आयन, कैलकुलेट नंबर ऑफ Cl- माइनस एंड Ca2 प्लस आयन्स इन 222 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड। 222 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में कितने कैल्शियम और क्लोराइड आयन होंगे, कितने कैल्शियम आयन होंगे और कितने क्लोराइड आयन्स होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड, द फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2, इट डिसोसिएट टू गिव Ca2 प्लस आयन प्लस 2 क्लोराइड माइनस आयन। ये अगर डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, Ca प्लस 2 आयन एंड 2 क्लोराइड माइनस आयन, इट डिसोसिएट टू गिव Ca2 प्लस आयन एंड 2 क्लोराइड माइनस आयन, 2 क्लोराइड माइनस आयन बनाएगा ये, ठीक है। अब यहां तक क्लियर, इट गिव्स वन ऑफ द Ca प्लस 2 आयन एंड 2 ऑफ द क्लोराइड माइनस 2 आयन, मतलब क्लोराइड माइनस 2 आयन का जो नंबर है वो 2 गुना है, 2 टाइम्स हो जाएगा, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसे है, डबल है। अब देखो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 111, कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 111। चलो अब सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस आयन्स, तो नंबर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस आयन्स कैसे निकलेगा, वेट कितना दिया है 222, तो 222 बाय 111 इंटू 6.023 इंटू 10^23 इंटू 6.023 इंटू 10^23, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। अब ये कितना आ गया 12.046 इंटू 10^23 Ca2 प्लस आयन्स, ठीक है। तो कैल्शियम आयन्स का नंबर कितना आ गया 2 इंटू 6.023 इंटू 10^23। अब क्लोराइड आयन की बात होगी तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स 222 बाय 111 इंटू 2, यहां पे मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्लोराइड आयन का नंबर कैल्शियम आयन से 2 के मल्टीपल में ज्यादा है, 2 गुना है वो, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10^23, तो नाउ इट इज 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, और
चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 3 जा 12, 2 आ गया, 1 कैरी हो गया, 4 2 जा 8 और 1 9 है ना, और ये आ गया 0 और ये आ गया 24, तो 24 इंटू ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 24 इंटू 10 टू द पावर 23, तो क्लोराइड आयंस का नंबर 24.092 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, थोड़े थोड़े धीरे धीरे हम लोग अब अपनी प्रॉब्लम्स को चेंज करते हुए आगे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे हम प्रॉब्लम्स को चेंज करते हैं। इस पे क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सब भी इन्हीं क्वेश्चंस के साथ सॉल्व हो जाएगा। कॉमनली क्वेश्चन आता है इस पे और हमेशा यही पूछते हैं किसमें नंबर ऑफ एटम्स या किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो वो आसानी से लग जाएंगे। जब हमको ये चीजें पता है तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.12 लीटर ऑफ अ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1.12 लीटर ऑफ अ गैस, किसी गैस के 1.12 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर 22.4 लीटर गैस होता तो उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, अभी कितना दिया है, 1.12 लीटर। तो नाउ द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1.12 लीटर इंटू 22.4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर, तो 1.12 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, देन हाउ मच मॉलिक्यूल इन 1.12 लीटर। तो देखो अब 1.12 अगर 2.24 होता, 2.24 तो कितना आ जाता, 10 टाइम्स। अभी कितना आएगा ये, 20 टाइम्स। अभी कितना आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, दिस इज 20 टाइम्स, है ना। अब ये हो जाएगा आपका, डिवाइड कर दीजिए इसको 6.023 को, तो 10 टू द पावर 20, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इसको 2 इंटू 10 20, तो 10 टू द पावर 1 हो गया, है ना, 10 टू द पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा, ये बचा 2, तो यहां से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 3.011 और वो हो जाएगा पावर आपका, 10 टू द पावर माइनस 1 था तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है, 3.01 इंटू 10 टू द पावर 22। जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है उनको केयरफुली सॉल्व करना है, और जिनको नहीं है उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 टाइम्स है ये, कितना आ जाएगा, पावर 1 से कम हो जाएगी और ये 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो दैट इज द आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जब वॉल्यूम में दिया हुआ होगा तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये फॉर्मूला यूज होगा कभी भी वॉल्यूम में अगर गिवन रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन
2.24 लीटर ऑफ अमोनिया, 2.24 लीटर अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अगर 22.4 लीटर अमोनिया होता तो उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना? 6.023 इंटू 10 to the power 23, देन हाउ मच इन 2.24 लीटर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हो जाएगा यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है 2.24, टोटल वॉल्यूम कितना 22.4 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23, क्लियर? तो 2.24 by 22.4 कितना है 10 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा पावर एक से कम कर दीजिए, 6.023 इंटू 10 to the power 22, 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 2.24 लीटर ऑफ अमोनिया। तो 2.24 लीटर अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल, 22 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड विद द मूल कॉन्सेप्ट, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जितने भी फॉर्मूले टाइप के क्वेश्चन है सब यहीं पर कर लेंगे हम लोग, जिससे कि ये सभी चीजें हमें एकदम 100% क्लियर रहे। और बहुत सिंपल से सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, इसलिए सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि कैलकुलेशंस बहुत शार्पली करना है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होता, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो मुझसे भी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन कोशिश करना है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। weight of a piece of copper is 0.0635 gram, find number of atoms of copper, find number of atoms of copper, तो इसमें कॉपर के एटम्स का नंबर निकालना है। ठीक है, अब कॉपर का वेट कितना 63.5, कॉपर का वेट कितना 63.5, तो फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर, एटम्स ऑफ कॉपर, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर इट इज ग्राम वेट बाय एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं हम, एटॉमिक वेट इनटू 6.023 इनटू 10 to the power 23। नाउ ग्राम वेट इज गिवन 0.0635 बाय 63.5 इनटू 6.023 इनटू 10 to the power 23, ये कुल कैलकुलेशन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब इसको सिमेट करते हैं, अब जैसे ये लगेगा कैसे सॉल्व होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं पॉइंटर हटा देते हैं, पॉइंटर हटा दोगे तो डाटा इतना बड़ा हो जाएगा सॉल्व थोड़ी होगा, पॉइंटर नहीं हटाना, पहले ये सोचना है कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखो एक एस्टिमेट करते हैं, अगर ये 63.5 होता तो कितना आ जाता, वन टाइम आ जाता, अगर ये 6.3 होता तो 10 टाइम्स आ जाता, इफ इट इज 6.3 तो देन इट इज 10 टाइम्स, अगर ये 0.635 होता, 0.635 देखो फिर से एक बार, अगर ये 63.5 होता तो 1, 6.35 होता तो 10, 0.635 होता तो 100, 0.0635 है तो कितना आ जाएगा 1000, दिस इज 1000,
थाउजेंड मीन्स वॉट, 10 to the power 3, थाउजेंड मीन्स वॉट, 10 to the power 3, तो 10 to the power 3 ऊपर जाएगा तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आंसर आ गया 6.023 × 10 to the power 20, 6.023 × 10 to the power 20, फिर से एक बार, इफ इट इज 6.3, देखो ऐसा, अगर ये 6.3/63 होता तो 1/10 आता, 0.635 होता तो 100, और 0.0635 है इसलिए कितना आया 1000, तो 1/1000, 1/1000 मीन्स 10 to the power 3, 1000 का मतलब होता है 10 to the power 3, ठीक है, और 10 to the power 3 को ऊपर कैरी करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 to the power 23 में से 10 to the power 3 चला गया तो कितना बचा 10 to the power 20, द आंसर इज 6.023 × 10 to the power 20, नाउ आंसर इज क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो कैलकुलेशंस में हमेशा ध्यान रखना है, कोशिश ये करना है कि वो बड़ा ना हो, उसको बड़ा नहीं करना है, उसको छोटा करना है, और ऑप्शन पर हमेशा नजर रखना है कि वो किस ऑप्शन के आसपास जा रहा है, ऑप्शंस पर हमेशा नजर रखना है कि वो किस ऑप्शन के आसपास जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस आपने देखा है, एग्जाम्स भी बहुत सारे लोगों ने देखे देखा है अभी, तो ये बात आपको पता है कि बहुत क्लोज नहीं रहता है, कभी ऐसा नहीं रहेगा 6.23, 6.25, 6.26 ऐसा कैलकुलेशन नहीं रहता, काफी दूर दूर रहता है, तो आराम से एस्टिमेट हो जाती है चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन आर देयर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन आर देयर इन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन आर देयर इन 1 liter ऑफ बेंजीन, देयर इन 1 liter ऑफ बेंजीन, 1 liter ऑफ बेंजीन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन आर देयर इन 1 liter ऑफ बेंजीन, बेंजीन के 1 liter में बेंजीन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बेंजीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी, दोनों एक ही बात है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन इज 0.88, जबकि बेंजीन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.88, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बेंजीन इज 0.88। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सोच रहे हैं, 1 liter, तो देखो 1 liter इक्वल टू 1000 milliliter, यहां तक समझ आया, 1 liter इक्वल टू 1000 milliliter, ठीक है, मास निकालने का एक फॉर्मूला है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी, है ना, ये ध्यान रखेंगे टर्मिनोलॉजी को, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है 1000 milliliter, डेंसिटी कितनी है 0.88, डेंसिटी कितनी 0.88, तो मास कितना आ जाएगा 880 grams, अब मास किसमें आ गया 880 grams, फॉर्मूला इज व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 6.023 × 10 to the power 23, फॉर्मूला तो आपको क्लियर ही है, थोड़ा क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, फिर से लिखते हैं,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 6.023 इंटू 10^23 इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे फिर से। ग्राम वेट कितना आ गया था? 880। मॉलिक्यूलर वेट कितना बेंजीन का? 78 इंटू 6.023 इंटू 10^23, तो अप्रोक्सीमेट 10, तो 66, तो 6.66 में ही आंसर आएगा, ठीक है। 6.795 इंटू 10^24, तो 880 बाय 78 इंटू 6.023 इंटू 10^23, 6.79 इंटू 10^24 इज द आंसर। देखो ये अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स 11 टाइम्स के आसपास है, तो 66 आ जाएगा, तो 66 आएगा, तो जब उसको 6.67 करोगे तो पावर 1 से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.04 मिलीलीटर, इज 0.04 मिलीलीटर। पानी की एक बूंद का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.04 मिलीलीटर। पानी की एक बूंद का आयतन 0.04 मिलीलीटर है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन, इज प्रेजेंट इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर, वन ड्रॉप ऑफ वाटर। ऐसा क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, मैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, उसको भी कर लेंगे हम लोग, मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.04 मिलीलीटर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर, वन ड्रॉप ऑफ वाटर वेयर डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, ठीक है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 0.98 रहता है एक्चुअली, बट इट इज कंसीडर्ड 1, है ना, 0.98 रहती है वाटर की डेंसिटी, लेकिन इसको हम 1 कंसीड करते हैं। तो फिर क्या करेंगे, फिर से वही क्वेश्चन, पहले मास निकालते हैं, तो मास इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 0.04, डेंसिटी कितनी है 1, तो मास कितना आ गया 0.04 ग्राम, मास कितना आ जाएगा 0.04 ग्राम, तो मास इज 0.04 ग्राम। देन अप्लाई द फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू
ग्राम वेट बाय मोलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू ग्राम वेट कितना 0.04 बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट वाटर का मोलिक्यूलर वेट कितना 18 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। ठीक है तो अप्रोक्सीमेट कितना है ये 0.05 और ये 6 तो 3 टाइम्स इधर से आ सकता है 6 3 18 और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मल्टीप्लाई तो इसमें करना ही पड़ेगा आपको है ना। अगर 0.5 रहता तो वो 3.5 रहता तो 3 हो जाता 0.3 हो जाएगा। ठीक है तो पावर रिड्यूस करने वाली है इस बार तो 0.04 बाय 18 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 और कैलकुलेशन पर आ जाएगा 1.33 इंटू 10 to the power 21 इंटू 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स 1.33 इंटू 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स 180 और 180 पे 0.4 हो रहा है 1800 पे 4 हो जाएगा। ठीक है तो 0.33 इंटू 10 to the power 21 मॉलिक्यूल इज द आंसर और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस पर काम करते हैं। ठीक है और प्रैक्टिस करना है बार बार आपको कुछ नहीं करना है ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ इनको ही आपको करना है। डिफरेंट बुक से सेलेक्ट करता हूँ मैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को भी करवाता हूँ तो आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहना है और आपके टेस्ट पेपर्स फिर उसके बाद आ जाएंगे। ठीक है ओके थैंक यू।